पढ़ा है ना मीजल्स टॉपिक के बारे में, तो व्हेन दिस यस मैम. क्वेश्चन कम लाइक दिस, एपिडेमियोलॉजी पूछ रहे हैं, यानी क्या क्या तीन चीजें उसमें होनी चाहिए, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट. ठीक है, तो व्हेन एवर एनी डिजीज, इट इज कम्युनिकेबल डिजीज और इट इज दिस थिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बाद एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है हम उसका भी चर्चा करेंगे, सो दैट वी आर क्लियर हाउ यू विल बी डिस्क्राइबिंग दिस. ओके, सो इन दिस measles, how will you explain? The first thing that has to be mentioned, as I mentioned to you all, whenever like this epidemiology is asked, or any question for that matter, write an introduction. Okay, what is measles? Is a acute, highly infectious disease of childhood. ये तो आप कम्युनिकेबल कोई भी डिजीज है तो उसमें आप क्लियरली लिख सकते हो कि वो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज चाइल्डहुड, एंड इट इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक वायरस मिक्सो वायरस. ओके, दिस कॉज्ड बाय मिक्सो वायरस, एंड व्हाट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड कैटारल सिम्टम्स. हम देखेंगे वो सब क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं, ऑल दोज सिम्टम्स. सो दिस मच यू हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन. सो व्हाट डू आई मीन टू से इज डायरेक्टली डोंट रन स्टार्ट राइटिंग एपिडेमियोलॉजी इज एजेंट होस्ट फैक्टर एन एनवायरमेंट एंड दिस इज द एजेंट दिस इज द होस्ट दिस इज द एनवायरमेंट ऐसा नहीं फिनिश होता. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ये समझा देंगे कि मीजल्स में ये एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है चाइल्डहुड कॉज बाय स्पेसिफिक वायरस ऑफ द ग्रुप मिक्सो वायरस. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एट योर लेवल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इफ यू ऑल फील यू ऑल कैन ऐड एटलीस्ट सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट इट कैन बी एडेड. ठीक है, ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू टेल स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीज में कोरोना तो जरूर एक प्रिपेयर कर लेना अपने नोट्स. ठीक है, जस्ट एक साइकोलॉजी कोरोना के ऊपर पूछ सकते हैं, तो उसका भी एक ऐसा ही रनिंग नोट्स बना के रखना ताकि एग्जाम से पहले बस आपको पढ़ के जाना हो. तो इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद में वी विल बी मेंशनिंग अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आ जाता है, एजेंट फैक्टर. ठीक है, एजेंट फैक्टर में क्या है, पहला है व्हाट इज द एजेंट, यू हैव टू क्लियरली मेंशन व्हाट इज द एजेंट, एंड दिस पैटर्न व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस पैटर्न हैज टू बी फॉलोड फॉर एनी ऑफ द डिजीजेस व्हेन द एपिडेमियोलॉजी इज बीइंग आस्क्ड. तो एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट एजेंट फैक्टर्स में क्या है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, और इसके ज़्यादा सीरोटाइप्स अभी इतने वो नहीं हैं, बट यस व्हाट हैज बीन फाउंड दैट इट रिमेन्स इन्फेक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके एजेंट की. अब एजेंट के कुछ फैक्टर्स भी हम देखेंगे. वन पार्ट टू नो अबाउट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एजेंट, यू हैव टू एजेंट फैक्टर्स में after the agent, then you have to tell about the source of infection. Okay, the only source of infection measles is someone who is actually suffering from the disease. Okay, so means इतने evidences नहीं हैं कि कोई carrier है और carrier ने दूसरे व्यक्ति को infect, दूसरे बच्चे को infect कर दिए. For someone who is affected by measles, that person will be actually the source of infection. What about infective material? Infective material may things like secretion of nose, throat, respiratory tract. Okay, so ये सब जो हैं secretions of nose, throat,
रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सब जो इन्फेक्टिव है, यानी इसका मतलब क्या है, एनी सिक्रेशन दैट कम्स आउट फ्रॉम द नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल दैट कैन इन्फेक्ट द अदर इंडिविजुअल. फिर नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, ऐसा नहीं है बिल्कुल मीजल्स के सिम्टम्स आ जाएंगे दैट टाइम द पर्सन इज इन्फेक्टिव. इवन इन द प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल क्या स्टेज होता है, दैट मीन्स उतना इनिशियल जो एंट्री ऑफ इन्फेक्शन सब हुआ है, वो जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, अर्ली स्टेज ऑफ रैशेस दिखाई दे रहे हैं, दैट स्टेज ऑल्सो द पर्सन कैन इन्फेक्ट. ठीक है, अब थर्ड क्या है, अब ये हो गया, हमने बता दिया एजेंट कौन है, हमने बता दिया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्टिव मटीरियल वी हैव डिस्कस्ड. देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेबिलिटी. What is the communicability? As I mentioned to you, measles is highly infectious during the prodromal period and especially at the time of eruption. ठीक है, जब वो rash erupt होता है, that time it is highly infectious. Now communicability declines rapidly as the rash is seen in the individual. Slowly, slowly the communicability also decreases. The period of communicability is approximately 4 days before and 4 days after the appearance of the rash. ठीक है, rash के 4 दिन पहले rash आ गया, उसके 4 दिन बाद. So what has to be remembered? Why are we talking about communicability? This is the period it is very important to isolate the individual. ठीक है, now next is secondary attack rate. There is only one antigenic type of measles virus in confers lifelong immunity. This is one good thing. See, now like we are struggling with corona because each time you have a new strain coming up, but we don't have so many multiple strains of measles. So ek jo अटैक रेट हम जो कहते हैं, सेकेंड अटैक रेट वगैरह बहुत कम है, क्योंकि वंस अ पर्सन गेट्स इट, इट इज गिविंग द पर्सन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम अगेन रिपीटिंग, एपिडेमियोलॉजी अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है कम्युनिकेबल डिजीज का, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है उस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. डायरेक्टली एपिडेमियोलॉजी मत लिखना शुरू करना, आप थोड़ा सा बताओगे कि वो कैसा इन्फेक्टिव डिजीज है, उसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है. अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत इंडियन सिनेरियो और अब्रॉड का सिनेरियो में स्टैटिस्टिक्स भी डाल सकता है. ठीक है, उसके बाद आप एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स बताना स्टार्ट करोगे. उसमें आपको बताना है कि एजेंट बताना है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बताना है, इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है, कम्युनिकेबिलिटी और सेकेंडरी अटैक. अगर इस हेडिंग के अंदर आप उसे डेवलप कर रहे हो अपने आंसर्स को, एग्जामिनर विल बी 15 मार्क का है, इस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो आराम से 13 तक तो आपको आराम से मिल जाएगा सा स्कोर करते करते. ठीक है, तो मैंने देखा कि आंसर शीट में स्टूडेंट ने लिखा है एजेंट फैक्टर, फिर उसने एजेंट लिखा है, एजेंट को अंडरलाइन किया है, फिर लिखा है पैरामिक्सोवायरस आरएनए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लिया लिखा है, उसे अंडरलाइन किया है, फिर ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज केस ऑफ मीजल्स. ठीक है, सो दैट मींस कैरियर नहीं, केस यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थर्ड इज इन्फेक्टिव मटीरियल. इन्फेक्टिव मटीरियल में आपको डिस्क्राइब करना है सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दिस हैज टू बी मेंशन्ड. फिर फोर्थ है कम्युनिकेबिलिटी. कम्युनिकेबिलिटी में मेन आपको यह याद रखना है कि यू हैव टू एक्सप्लेन इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, रैश के 4 दिन पहले, रैश के 4 दिन बाद ये
बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस रहता है। सेकेंडरी अटैक रेट इसका कम है, यानी दोबारा होने के चांसेस कम है। व्हाई? बिकॉज द एंटीजेनिक स्ट्रेन है, जो बहुत अलग अलग स्ट्रेन इतने नहीं है, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट व्हाट यू विल एक्सप्लेन इज होस्ट फैक्टर्स, एजेंट फैक्टर्स फिनिश हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अनदर वे आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन स्कोर इज, यू कैन मेक अ ट्रायंगल। ये आंसर्स के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन के बाद में, यू कैन मेक अ ट्रायंगल। इन द ट्रायंगल इन बिटवीन इनसाइड सेंटर में यू कैन राइट मीजल्स और एजेंट, एक तरफ पे होस्ट, एक कोने में एनवायरनमेंट। और एजेंट के वहां पे अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, आरएनए पैरा मिक्सो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल, तो उतना आपने लिख दिया। अब होस्ट देखते हैं क्या क्या है इन होस्ट। फर्स्ट इज एज, ठीक है। तो आप एज बताओगे, इट अफेक्ट्स वर्चुअली एवरीवन इन इन्फेंसी, राइट। इट इज अफेक्टिंग एवरीवन। सी नाउ यू मे बी थिंकिंग मैम हमें तो नहीं हुआ, वी आर नॉट गेटिंग बिकॉज हम लोग जल्दी इम्यूनाइज हो जाते हैं, राइट। हम लोग को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ही अब ऐड कर दिया, वी डोंट गेट इट। तो बिटवीन 6 month एंड 3 years ऑफ एज इन डेवलपिंग कंट्रीज द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर जनरली पुअर, है ना। इन डेवलपिंग कंट्रीज द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर पुअर एंड ओल्डर चिल्ड्रन यूजुअली ओवर 5 years इन डेवलप्ड कंट्रीज पाया गया है। तो फॉलोइंग द यूज ऑफ वैक्सीन ओल्डर ग्रुप कम देखा गया। तो पहला हमने देखा स्टूडेंट्स पोस्ट फैक्टर में, पहली आप जो पॉइंट वहां पे डिस्क्राइब करोगे एज के बारे में बताओगे कि एफेक्ट्स एवरीवन इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड, ठीक है, बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर जनरली पुअर एंड ओल्डर चिल्ड्रन, एज क्या है ओवर 5 years, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आइदर यू कैन राइट सेक्स और यू कैन राइट जेंडर। जेंडर में क्या है, इंसिडेंस इज इक्वल। इंसिडेंस इक्वल का मतलब क्या है प्रियंका झा, इंसिडेंस ऑफ डिसीज इज इक्वल। Yes, ma'am. हाँ, दोनों में इंसिडेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इंसिडेंस इक्वल का मतलब है स्टूडेंट्स कि मेल और फीमेल, ऐसा नहीं है कि मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है, फीमेल में ज्यादा, मेल में कम है, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द इंसिडेंस, ओके, यानी बोथ ऑफ देम आर प्रोन टू गेट द डिसीज। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। सो इन दिस ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट one attack of measles gives lifelong immunity, then infants are protected by maternal antibodies. Why are the infants protected by maternal antibodies? Because they are breastfeeding, na? Because they are feeding on the mother's milk, unke paas already antibodies hain. So 6 months of age and in some maternal, sometimes even till 9 months, theek hai, immunity after vaccination is quite solid and long lasting, so chances of the disease happening again is less. Then next is nutrition. Let us say nutrition, in that what is the thing, measles tends to be very severe in malnourished children, so unke andar cases chances zyada hai, theek hai, the chances of thing is more.
malnourished children. So this is finishing off with your host factors, the host factors that are there. Next is environmental factors, agent factors ho gaya, host factor ho gaya. Next is environment factors. Environment factors mein kya hai? Given a chance, the virus can spread in any season. Okay, in tropical zones, especially कुछ जगहों पे सीजन में होते हैं और कुछ जगहों पे विंटर. इन आर प्लेसेस एंड ऑल यू वुड हैव हर्ड मोर इज इन विंटर. ठीक है, तो ये एक पॉइंट वहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो. तो खास करके विंटर एंड अर्ली, दैट मीन जनवरी टू अप्रैल तक आप पकड़ सकते हो. अर्ली स्प्रिंग के टाइम में भी चांसेस ज़्यादा है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर में एक चीज़ आपने मैंशन कर दिया कि इट कुड बी सर्टन प्लेसेस, इट इज ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ठीक है, एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट इट इज मोस्टली विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, दैट हैज टू बी मेंशन. देन नेक्स्ट थिंग वी हैव टू थिंक ऑल्सो व्हाई इन विंटर इट इज मोर इज पीपल टेंड टू बी इनसाइड. ना विंटर सीजन में लोग ज्यादा अंदर रहते हैं घर के अंदर, तो अब नाउ दी वेंटिलेशन ऑल्सो इज कॉम्प्रोमाइज टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंड्स. तो उसके वजह से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. अनदर रीजन यू हैव टू नो इज पॉपुलेशन डेंसिटी इन मून, दैट इज वन रिमेंबर. ठीक है, somewhere the population is more, the chances of the disease also is more. So another thing in environmental factor you can think of is less favorable the prevailing socio-economic condition in general. The less favorable the prevailing socio-economic conditions, the chances ho jate hain ki children attack. ठीक है, तो इसमें ट्रांस ने ये एक पॉइंट बताया. देखो आपके की पॉइंट्स खत्म हो गए, फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, अब ये यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों के बीच का इंटरैक्शन आपको समझाना है. इफ इट इज अ लॉन्ग आंसर यू मे हैव टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इट. सो लेट अस सी व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन. ट्रांसमिशन के बारे में आपको समझाना है. ट्रांसमिशन डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, मेनली बाय ड्रॉपलेट. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इवन नाउ एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस वी नो द मैक्सिमम चांसेस आर बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ठीक है, नाउ पोर्टल ऑफ एंट्री के बारे में कहेंगे तो क्या है यहाँ पे पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर करने का जो रूट है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द रूट. समटाइम्स द इन्फेक्शन कैन बी ऑल्सो टू कंजंक्टिवा. ओके, सो दैट ऑल्सो हैज टू रिमेंबर द इन्फेक्शन इज pass through conjunctiva. Then another thing that can be remembered is someone who is receiving a measles vaccine cannot be a contagious person. ठीक है, so you should not have that thought कि measles vaccine receive कर रहे हैं वो person contagious. So that person is not his. Okay, that is about transmission. Then incubation period mein kya hai? Incubation period is commonly 10 days from the onset of fever. Incubation period is commonly 10 days from exposure to onset of fever. What is the meaning of incubation period? Someone wants to add up. हम किस टर्म को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं?
मैम एजेंट जब बॉडी में एंटर करता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो होने तक का टाइम पीरियड। वेरी वेरी गुड है ना। सो दिस पीरियड दैट मींस अगर फर्स्ट को आई वाज एक्सपोज टू समवन विद मीजल्स सो दैट वहां से लेकर 10वें दिन तक मुझे 10th ऑफ जुलाई तक बुखार ठीक है 14th जुलाई तक मेरे शरीर पे रैशेस आने लगे। सो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब दी क्लिनिकल फीचर्स। मेन तो आप ये फोकस करना कि आप अच्छे से वो डायग्राम बना दो और आप ये हेडिंग्स सारे बना दो, चाहे मीजल्स हो मम्स हो या कोरोना कुछ भी आए उस पर आप ये हेडिंग्स जरूर बनाना, ट्रायंगल जरूर बनाना और ये हेडिंग्स के अंदर उसको डेवलप करना ठीक है। इनक्यूबेशन के बाद में क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में थ्री स्टेज बी एक्सप्लेन इफ इट इज मीजल्स। थ्री स्टेजेस हैव टू बी एक्सप्लेन। वन इज प्रोड्रोमल स्टेज ऑल्सो कॉल्ड pre-eruptive stage, then is the eruptive stage, and then is post-measles stage. Prodromal stage mein kya hai? Begins 10 days after infection and lasts until day 14. 10 days after infection and lasts until 14 days. What are the characteristics? Let us see what are the characteristic symptoms that in the state. The symptoms can include running nose, sneezing, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, बहुत ज़्यादा nasal discharge. ठीक है, कफ एंड पिंक फॉर अ स्मॉल चाइल्ड स्टूडेंट्स जब ये नेजल डिस्चार्ज सब निकलता है इट ऑलमोस्ट टोटली ऑब्स्ट्रक्ट्स देयर नोज सो दे आर नॉट एबल टू ब्रीद ऑल्सो प्रॉपरली। तो कफ है, फिर आईज बिकम रेड, देयर इज कंटिन्यूअस टीयर, ठीक है, लैक्रिमेशन होता है और हैज बीन ऑब्जर्व फोटोफोबी होता है। तो सर्विसेस में वॉमिटिंग एंड डायरिया ऑल्सो मे बी सीन। देन आई मेंशन टू यू दिस इज व्हेन द फीवर पार्ट स्टार्ट्स है ना, कि यानी 1 जुलाई को एक्सपोज हुआ 10 जुलाई तक फीवर, सर्दी, जुकाम, आंख लाल होना, ये सब बच्चे में दिखाई दे सकता है। एंड आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव कम अक्रॉस सच किड्स। एज आई मेंशन टू यू वी यूज्ड टू हैव पोस्टिंग इन दिस एरियाज कम्युनिकेबल डिजीज वार्ड। तो एक एक वार्ड हुआ करता था उसके बच्चों का, तो उनके पूरा नाक वाक सब ब्लॉक होके ना देर क्राइंग आउट फॉर ब्रेथ। देन नेबुलाइजर लगाने के लिए जाते हैं तो उसके मास्क से डर के और रोते हैं और रोते हैं और कंजेशन। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट केयरिंग फॉर द किड्स, स्पेशली वो उनके वो जो कंजेशन की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद में वॉमिटिंग डायरिया भी शुरू हो सकता है कुछ बच्चों को। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज वी कैन अनदर थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व, हमने कहा था कि 14th डे में रैशेस निकलने लगेंगे। तो रैशेस आपको याद रखना है, रैशेस जो निकलते हैं मीजल्स में उससे हम क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। ओके, वी कॉल इट कॉप्लिक स्पॉट। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सॉल्ट क्रिस्टल्स है, स्मॉल 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 सॉल्ट crystals on the buccal mucosa. Does it be first and second lower molars? Opposite the first and second lower molars. Small bluish white spots on a red base. एक red base है, उसके blue और white color के spots. और हेड इज लाइक ऐसे जो बॉल पिंस होते हैं, छोटे छोटे पिंस होते हैं, हेड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोमोनिक ऑफ मीजल्स। अब नोमोनिक का मतलब क्या है,
कि ये लक्षण अगर बच्चे में दिख जाए, सर्दी, जुकाम, छींक, बुखार और आंख लाल हो रहा है, इसके साथ में जब वो बच्चे का मुंह खोल के चेक करते हैं, अगर बक्कल एरिया में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लोअर मोलार्स के यहाँ अगर सॉल्ट के क्रिस्टल्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, राइट, तो दोस दैट मींस दे हैव अ रेड बेस एंड देन दे हैव ब्लूइश दिस थिंग ब्लूइश वाइट स्पॉट. So what can small small pin like structures big spot. अब ये जो spot है इसका भी I mean ये जो clinical features है इसको आप कैसे staging कर सकते हो. पहला आपने अभी prodromal stage बताया, अब धीरे धीरे ये eruptive stage में जा रहा है, ठीक है. In this stage what is seen, this dusky red macular or maculopapular rash which begins behind the ear. कान के पीछे से फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी पे स्प्रेड होने लगता है, दैट हैज टू बी मेंशनड, एंड ग्रेजुअली इट स्प्रेड्स ओवर. एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेंशन इज ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल फेज 2 to 4 days एंड फर्स्ट 2 to 5 days ऑफ रैश वायरस इज प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी फ्लूइड्स दैट इज कमिंग आउट, ठीक है. So this stage you have to mention as the eruptive stage, and third stage is the post-measles stage. The child would have lost weight, the child would look weak, right? Then there will be failure to recover from the chronic illness. If there are some bacterial and viral infection, then it becomes more difficult. So other infections like diarrhea, pyogenic infections, all this will be seen in the kid. Okay, so this is your clinical manifestation that is there. आपने clinical manifestation बता दिया, उसके बाद में आपको complication बताना है. Complication, अब देखो ये आपको कैसे है, answer marks के हिसाब से elaborate करो, ठीक है. अगर long answer है तो आराम से लॉन्ग यू हैव वर्ड्स फॉर इट. नाउ कॉम्प्लिकेशंस में व्हाट आर द थिंग टू बी मेंशन, निमोनिया इज वन कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के, सॉरी फेब्राइल कन्वल्शन, फेब्राइल कॉम्प्लिकेशन, एनसेफलाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट हैज टू बी मेंशन, देन पैन एनसेफलाइटिस कैन बी मेंशन, ठीक है, मेंटल डिटरेशन, मसल रिजिडिटी इज अफेक्टिंग द चाइल्ड, पहला फेब्राइल फीवर होता है तो फीवर से फीवर कन्वर्जन हो सकते हैं, एनसेफलाइटिस हो सकते, देन सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफलाइटिस इज वन अनदर, दैट मीन्स द होल ब्रेन कैन गेट अफेक्टेड, दैट इज अनदर थिंग. Then what has to be, and child is showing paralysis, if the child is showing any involuntary movements, muscle rigidity, so you have to be alert, it may be because of the brain being involved, our brain mein abhi bhi virus hai, uske wajah se is tarike ke symptoms dikhai dete hain. Fir you may remember we had seen both the slides, मीसल्स का भी देखा था और चिकन पॉक्स का भी देखा था, राइट. तो देर आर टाइम्स की द चाइल्ड में गेट मीजल्स एंड चिकन पॉक्स टुगेदर ऑल्सो, बट नाउ वी कम टू द मेजर एस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट एपिडेमियोलॉजी डू एंड योर आंसर विद राइटिंग अबाउट द प्रिवेंशन एस्पेक्ट्स ऑफ मीजल्स, बिकॉज द होल रीजन व्हाई यू ऑल आर लर्निंग इज आपको एक बार पता चल जाए कि डिजीज, फिर आप उसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को समझ, ठीक है. तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू मेंशन, पहली बात जो आपको वहां पे मेंशन करना है कि हम चाहते हैं देयर शुड बी इम्यूनाइजेशन 95% एंड अबव, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग 100% बिकॉज इन इंडिया गेटिंग 100% इज बिट
आई शुड से ड्रीम, इट वोंट हैपन सो इजीली. तो 95% एंड अबव इम्यूनाइजेशन. फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज जो सक्सेसिव जनरेशंस आ रहे हैं उनमें भी कंटिन्यूस इम्यूनाइजेशंस मेंटेन करने के लिए हमें कोशिश करना. तो प्रिवेंशन का सीधा रास्ता यही है कि हम इस डिजीज के लिए वैक्सीनेशन दें. सो देयर इज अ वैक्सीन दैट इज अवेलेबल. यू ऑल वुड हैव हर्ड आल्सो MMR, measles, mumps and rubella, which is called a combined vaccine. You can talk about vaccine that way. फिर वैक्सीनेशन पे ही एलैबोरेट करना है तो यू कैन स्टिल डेवलप एक्सप्लेनिंग किस एज में देते हैं, एडमिनिस्टर कैसे होता है, क्या क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी के बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ठीक है, फिर एनी एडवर्स रिएक्शन यू वुड बी हियरिंग फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. आजकल बहुत इस पर बात होता है. So these headings you can use to elaborate on the measles vaccine. But what we are going to emphasize on is the available other MMR hi de rahe hain. Aur uske alawa you can mention that even measles, mumps, rubella and varicella also combinations that are available. Wo sare vaccines वहां पे मेंशन कर सकते हैं. फिर अदर थिंग दैट इज गिवन इज इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन इज अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस इम्यूनिटी टू द इंडिविजुअल. सो बिकॉज नाउ लाइव एटेंडेड वैक्सीन इज अवेलेबल, इज नॉट मच नीड ऑफ लुकिंग आउट फॉर दिस इम्यूनोग्लोबुलिन. इनिशियली नहीं था इसलिए बार बार हम डिपेंड होते थे उसको. तो नेक्स्ट आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स. आउटब्रेक अभी देखो ये जो हेडिंग्स है स्टूडेंट, ये हेडिंग्स हर डिजीज में होना चाहिए. मैं बार बार इसको बता रही हूँ. ठीक है, आउटब्रेक में पहली चीज जो आप तो जैसे ही पता चला उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दो. ठीक है, अदन में क्या है क्योंकि हमें इंक्यूबेशन पीरियड क्लियरली पता है हम क्या कर सकते हैं, 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दो आफ्टर ऑनसेट ऑफ. ठीक है, देन इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जितने भी उनके संपर्क में आए थे, जितने छोटे छोटे बच्चे सब एक साथ खेलते हैं इनके संपर्क में आए थे, उन सबको आप वैक्सीनेट करोगे. Okay, that is one thing. Now you all may be thinking we are taking vaccines and all. Please try to understand. Now we don't know which mutating, है ना? There can be a possibility. There can be outbreak of measles also. अब हम सोचेंगे इसका एक ही strain है, हो सकता है उसका एक और strain आ जाए. ऐसा situation आया तो एक community health में पहले जो cases आ रहे हैं उनको isolate करना शुरू करेंगे. बाकी जो अदर पीपल हु आर देयर हु हैव कम इनटू एक्सपोजर दे विल बी गिवन द मेडिकेशंस. ठीक है, एंड देन प्रॉम्प्ट इम्यूनाइजेशन हैज टू बी गिवन. सो स्टूडेंट्स हियर वी आर फिनिशिंग विद दिस इम्यूनाइजेशन, सॉरी मीजल्स. नाउ आई एम नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर. आई enough for y'all for revision today.